हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे मन लगा करके इतने समय। चलिए ठीक है, आज चौथा दिन है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी सेशन हमारा चल रहा है, वोकैबुलरी सीरीज चल रही है, लगातार डेली आपसे मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं। वोकैबुलरी में होमोफोन्स पढ़ रहे हैं, समान ध्वनि वाले शब्द जिनमें दो मीनिंग्स के उच्चारण तो सेम होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, उसके हम चौथे दिन में आए हैं। सोचिए पहले दिन से हम चलते चले आ रहे हैं, केवल 10-12 मीनिंग डेली डिस्कस करते हैं, आज 43 मीनिंग्स हो गई। ठीक ना, एक दिन में मैं सेम उच्चारण के दो शब्द देता हूं, दैट मीन्स 43 × 2 = 86 मीनिंग्स आपके पास केवल चार दिन में आ गई है। सोचिए, तो लगातार हमारे साथ चलेंगे तो कितना बेहतर कर पाएंगे। हाँ, एक आपसे बात जरूरी डिस्कस करनी है। देखो, मैं चाह रहा हूं कि लाइव क्लासेस भी चलना स्टार्ट हो जाए। लाइव क्लासेस में हम आपसे क्वेश्चन पूछे, आप हमको आंसर दें। भाई इतना पढ़ा रहे हैं उसका क्या, ठीक है, कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, इसलिए मैं चाह रहा हूं लाइव सेशन स्टार्ट हो। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है बेटा कि आप जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं गेन कर लेते हैं तब तक आपको लाइव सेशन करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी वीडियो डेली देखा करो, खूब मन लगा करके पढ़ा करो, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, फ्रेंड्स को दीजिए, नॉलेज वाली चीज है, फ्रेंड्स को दीजिए, सब आपस में शेयर करो, आपस में डिस्कस करो। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे, ठीक है ना, बहुत जल्दी जाए, 200-250 हमको चाहिए मेन सब्सक्राइबर्स। हमको बहुत इससे अर्निंग वगैरह नहीं करनी, हमको केवल मुद्दा है बच्चे घर बैठ के भी पढ़ सके, जो दूर है वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो लाइव सेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करने होंगे। आप मन लगा करके पढ़िए भी और इसको शेयर भी करिए जिससे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं और संडे संडे हम लाइव सेशन लेना स्टार्ट करें। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे आज प्रॉमिस करता हूं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर 1000 करिए और हम आपको मिलेंगे लाइव के साथ। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की मीनिंग, तो शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, पहला है इसमें आज 34th नंबर, ठीक है, इसका मतलब है ने, NAY, ने। ने का मतलब होता है नो या नहीं, ध्यान से सुनना, ने का मतलब क्या होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप समझो, अब ये ने कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में यूज करोगे बेटा तो सबसे पहले यूज करते हो, जैसे नहीं वह बाजार नहीं जाएगा, ने, तो नहीं मतलब ने, NAY, ने के बाद कौन लगाओगे, ने, He won't go to market, ठीक है ना, He will not go to market, तो ने, ने के बाद कॉमा लगेगा। तो याद रखिएगा, अब नो कहना बंद कर दीजिए, क्या यूज करेंगे, ने यूज करेंगे। ठीक है, तो ने मतलब नो होता है या नहीं होता है, तो नॉट या नो की जगह आप ने का यूज कर सकते हो। अब देखिए इसकी भी प्रोनंसिएशन ने है बेटा, इसके नीचे वाला वर्ड है NEIGH, NEIGH, NEIGH का भी प्रोनंसिएशन ने ही होता है लेकिन अर्थ अलग है। पढ़ क्या रहे हैं, होमोफोन्स, तो NEIGH भी ने और NAY ने भी, NAY ने मतलब होता है ना, यानी कि नो, NEIGH ने, ने का मतलब होता है क्राई ऑफ अ हॉर्स। ठीक है ना, देखो सभी पशु पक्षियों के अलग अलग आवाज होती है, स्नेक हिस, ठीक है, डॉग बार्क, ठीक है, तो यहां पे क्या है, ने, ने हॉर्स के लिए आता है, जो घोड़ा चिल्लाता है, चिंघारता है, हिन हिनाना बोलते हैं हिंदी में, तो हिन हिनाने को, घोड़े की हिन हिनाट को इंग्लिश में बोलते हैं ने। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं नॉट, NOT, नॉट, नॉट मतलब नॉट, आप जानते हो ने का ही है, ठीक है ना, तो ने मतलब नो, नॉट, तो नॉट मतलब भी क्या होता है, नो, नहीं। ठीक है, तो अब यहां पे NOT है, नॉट, NOT, नॉट, नॉट, नॉट मतलब नॉट, नहीं। ठीक है, दूसरा बेटा KNOT, नॉट, इसको भी पढ़ते हैं नॉट ही, याद रखना कभी भी के बाद यदि एन कभी भी किसी भी वर्ड में आता है, के बाद कभी भी किसी भी वर्ड में एन आता है तो के नहीं पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, KNO, ठीक है ना, तो क्या पढ़ते हो, नॉलेज, NO से पढ़ते हो नॉलेज, ठीक है ना, उसके बाद आता है नाइफ, KNIFE, तो क्या पढ़ते हो, नाइफ, के काट देते हो, तो हमेशा याद रखने के बाद यदि एन आता है तो हमेशा के कट जाता है, और प्रोनंसिएशन होता है एन से, तो यहां पर नॉट, NOT, नॉट, नॉट, ठीक है ना, दूसरा KNOT, इसका मतलब नॉट, लेकिन इसका मतलब होता है नॉट का गांठ, गांठ जो बोलते हो आप हिंदी में ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट, जैसे नॉट ऑफ टाई, ठीक है, गांठ बनी रहती टाई पे, वही नॉट। इसके बाद है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब जो आपके प्रधानाचार्य होते हैं किसी भी स्कूल में, जो प्रमुख व्यक्ति होता है, द चीफ मेंबर ऑफ द स्कूल इज नोन एज प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल एक ये हो गया, CI बेटा अंतर है, यहां पे क्या CIPAL है, और दूसरा वाला प्रिंसिपल है जैसे PLE है,
PRINCIPLE, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। कोई भी काम करने के पहले जो उस काम को अंजाम देने के लिए आप रूल बनाते हो, उन रूल्स को बोलते हैं सिद्धांत, ठीक है ना। तो PRINCIPAL मतलब प्रिंसिपल, यानी कि चीफ आपके स्कूल का, और PRINCIPLE प्रिंसिपल मतलब रूल ऑफ एन एक्शन। इसके बाद है पेल, PAIL, पेल का वेसल, पेल, पेल बाल्टी को बोलते हैं, जो आपके घर में बाल्टी है। एक आपने बहुत अच्छी पोएम सुनी होगी, कौन सी थी आपको, कुछ याद आ रहे पेल से, कुछ याद आ रहा हल्का हल्का, जल्दी बताओ, थोड़ा सा याद करो। एक पोएम है बहुत अच्छी सी, कौन सी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, फेच अ पेल ऑफ वाटर, पेल का मतलब क्या होता है, वॉट, पेल ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी लेने जैक एंड जिल गए थे हिल पे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, पेल, पी ए आई एल, पेल का मतलब बाल्टी, ठीक है। उसके बाद आता है पी ए एल ई, पेल, पेल का मतलब क्या होता है, ये है पीला पड़ जाना, वेन हो जाना, कोई चीज पीला पड़ जाना, पीला मुरझा जाना, उसको भी बोलते हैं पेल। तो पी ए आई एल पेल मतलब बाल्टी, और पी ए एल ई पेल मतलब मुरझा जाना, सूख जाना थोड़ा सा। उसके बाद बात करेंगे प्लेन की, पी एल ए आई एन, प्लेन, प्लेन का मतलब होता है लेवल, ठीक है ना, समतल, बराबर, समान, समान भूमि, प्लेन, पी एल ए आई एन। और दूसरा प्लेन है पी एल ए एन ई, वो प्लेन क्या है, अ टूल, ठीक है, आप जानते हो प्लेन, उड़ जाने वाली, ठीक है ना, वो प्लेन है, क्लियर हुई बात की नहीं। इसके बाद क्या है, प्रे, पी आर ई वाई, बेटा पी आर ई वाई, प्रे है, प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक है। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, शिकार करते थे, घोड़े पे जाते थे, गड़गड़ 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 बैठ करके, और क्या करते थे, किसी किसी जानवर को मारते थे, तो उसको क्या बोला जाता था, शिकार खेलना, शिकार खेलते थे, ठीक है ना। या आज आप इस तरह बना सकते हो, किसी को आप टारगेट बना लो किसी चीज का, तुम आपका शिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी आर ई वाई, प्रे, प्रे का मतलब क्या होगा, विक्टिम, विक्टिम मतलब शिकार, क्लियर है। उसके बाद पी आर ए वाई, बेटा यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, केवल इतना ही अंतर है, प्रोनंसिएशन सेम होगी। तो पी आर ई वाई प्रे मतलब विक्टिम, शिकार कोई, और पी आर ए वाई प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है ना, प्रार्थना करना। जैसे आजकल क्या चल रहा है, महामारी, ठीक है ना, पैंडेमिक चल रही ना, तो इतने समय क्या है, बहुत बुरी स्थिति है, पूरे पूरे वर्ल्ड की बहुत बुरी स्थिति है। तो बेटा इस समय केवल भगवान से क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली प्रे फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो पी आर ए वाई वाला प्रे है। इसके बाद रीन, रीन मतलब होता है लगाम, लगाम लगाना, ठीक है। आप जानते हो घोड़े वगैरह में एक बंधी बनी रहती है, उनके मुंह के पास से एक डोरी बंधी रहती है, उसको लगाम बोलते हैं, जिससे घोड़े को संभाला जाता है, ठीक ना, निर्देशित किया जाता है, डायरेक्टेड किया जाता है, किधर ले जाना है, किधर नहीं, रोकना है, कब आगे बढ़ना है। तो रीन, रीन मतलब लगाम लगाना होता है, लगाम, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर ई आई जी एन, आर ई आई जी एन, देखिए आर ई आई एन है, यहाँ पे जी नहीं, इस वाले में जी है, बस इतना ही अंतर है। इसकी भी प्रोनंसिएशन सेम होगी, रीन, रीन का मतलब राज्य करना होता है। ऑल पीपल वर हैप्पी इन द रीन ऑफ अशोका, ठीक ना, अशोक के राज में सबके सब क्या थे, हैप्पी थे, खुश थे। तो रीन, रीन का मतलब क्या होगा, रूल करना, शासन करना, राज्य करना, ठीक है। R I G S T, राइट, करेक्ट, कोई चीज सही हो जाना, ठीक है। जैसे ऑल द answers गिवन बाय द बॉयज आर राइट, करेक्ट। तो R I G S T, राइट, राइट मतलब करेक्ट हो गया। दूसरी मीनिंग है W R I T, आप तो जान गए होंगे। तो W R I T, राइट मतलब लिखना होता है बेटा, ठीक ना, लिखना, आप जो लिखते हो। इसके बाद क्या है, R O U T E, R O U T, रूट बोलते हैं इसको, रूट, रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता यार, रूट मतलब रास्ता, कोई भी रूट, जैसे यह रूट वहां तक जाएगा, ठीक ना, दिस रूट, जैसे दिस रूट लीड टू यू टू योर स्कूल, ठीक ना, ये रूट आपको ले जाएगा कहां, आपके स्कूल की ओर, ठीक है। तो दिस रूट, रूट का मतलब क्या हो गया, रास्ता, ओके। उसके बाद क्या है, आर डबल ओ टी, रूट, आर ओ आर ओ यू टी, रूट मतलब रोड या रास्ता, स्ट्रीट, गली, चौबारा, जो बोलना है बोलो। उसके बाद होता है आर डबल ओ टी, रूट, रूट का मतलब होता है प्लांट, एक प्लांट का पार्ट होता है। आप जानते हो प्लांट जो होते हैं, पेड़ होते हैं, उनका जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो धरती पे गड़ा हुआ होता है, उसको जड़ बोलते हैं, उसी जड़ को इंग्लिश में रूट, स्पेलिंग क्या होती है, आर ओ ओ टी, रूट, ठीक है।
अच्छा एक आपको बता देता हूँ चीज, देखो मैं बोल रहा हूँ आर ओ ओ टी, इसके पहले वीडियोस में मैं डबल डबल यूज कर लिया हूँ आर डबल ओ टी, ठीक है, लेकिन मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आदत हो जाती है गंदी है कहीं ना कहीं, लेकिन कभी भी जब स्पेल किया करिए कोई चीज बोला करिए तो यदि दो टाप बार लिखा हुआ है वही चीज तो आप डबल मत बोला करो, जैसे आर डबल ओ टी नहीं होना चाहिए, मुझसे भी गलतियां होती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ना करें हम, जैसे आर डबल ओ टी नहीं होना चाहिए, यहाँ बोला जाए आर ओ ओ टी, क्लियर बात करें तो आर ओ ओ टी, तो रूट, तो रूट मतलब अ प्लांट, पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का जड़, ठीक है। उसके बाद आता है आर ओ एल एल, रोल, रोल नंबर तो आप जानते ही होंगे, आर ओ एल एल, रोल, रोल टू टर्न ओवर, ठीक है, टर्न पलट देना किसी चीज को, ठीक है, किस चीज को क्या कर देना, पलट देना, पलटने को क्या, ढनगा देना, कोई मान लिया एक लॉग है यानी कि लकड़ी का लट्ठा है उसको ढकेल देना तो बार बार ढंगने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, रोल, रोल, आर ओ एल एल, रोल, आर ओ एल एल, रोल। एक है आर ओ एल ई, रोल, ठीक है, रोल आप जानते ही हो, इस रामलीला में मेरा क्या रोल है, इस रामलीला में मेरा क्या रोल है, ढनका देना, नहीं यार, इस रोल का मतलब होता है पार्ट, ठीक ना, भाग, मेरा क्या इसमें पार्ट है, पात्र क्या है, किस चीज में मैं काम करूंगा इस रामलीला में, व्हाट इज अ पार्ट, व्हाट इज अ रोल, ठीक है ना, ऑफ माइंड इन दिस रामायण रामलीला, क्लियर बात की है। तो आज ये फोर्थ डे था, ठीक, तो ये है, अब आपको इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, हम आपको देख करके बता देंगे। और हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं हमको, जिससे हम लाइव आपके साथ डिस्कस कर सके, ठीक है, लाइव क्लास में यकीन मानो बहुत मजा आती है, इसके पहले काफी पहले ये रूल नहीं था 1000 सब्सक्राइबर वगैरह का, तो लाइव क्लास लाते थे, तो जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कितना बेहतर चलता है, बहुत अच्छा चलता है बेटा, बहुत मजा आता है, पता नहीं कितने बच्चे जुड़ते हैं और आपस में डिस्कशन होता है, तो जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। और ये डेली की डेली एक वीडियो आ रही है, आप पढ़ते रहिए लगातार, अभी होमोफोन्स आएगा, फिर उसके बाद जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आएगी आपकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ठीक है, तो आप घर में खुद नहीं पढ़ते हो तो हमारे साथ पढ़ो मन लगा करके, ठीक है ना, सही है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।